एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली मैं अभी यहां पर जा रहा हूं गोलकुंडा, हैदराबाद के सिटी में गोलकुंडा जाना है। और मैं 24 आवर का ट्रैवलिंग का टिकट ले चुका हूं, तो मेरे पास पास भी आ चुका है अभी। और मैं बस का वेट कर रहा हूं, यहां पर देख सकते हैं आप बस स्टॉप पर। तो अभी यहां पर बस आएंगी और उसमें बैठ कर फिर मैं गोलकुंडा जाऊँगा, आपको वहाँ का गोलकुंडे का किला वहाँ पर दिखाऊँगा। और बहुत ही बढ़िया वो किला है और बहुत बड़ा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होने वाला है। ये आपका अपना चैनल है MD Vlog 982। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं गोलकुंडा में जाकर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, टिकट ले चुका हूँ और यहाँ पर आ चुका हूँ हैदराबाद के गोलकुंडे में। और बहुत ही बड़ा ये किला है और मैं यहाँ पर पैदल चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस तरफ पूरा गार्डन है यहाँ और ये मेरे पीछे किला है। तो जाते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं किले में क्या क्या है। ये देख सकते हैं आप, ये दीवारें बहुत ही पुरानी है, पत्थरों की दीवारें हैं ये। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एंट्री गेट पर ये एक बॉर्डर बने हुई है और यहाँ से एंट्री गेट है। ये मेरे पीछे बॉर्डर है और बॉर्डर से ये एंट्री गेट है। ये सेफ्टी के लिए बनाई जाती थी पुराने ज़माने में। और यहाँ से एंट्री गेट है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। देखिए गाइस, काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर और अभी अंदर कोई भी नहीं है क्योंकि सुबह का वक्त है। तो शाम के टाइम में यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक किला है और ये दरवाज़ा जो है इसका एंट्री गेट है, लोहे का बना हुआ है ये पूरा, बहुत ही मज़बूत होता है ये। तो अभी हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। तो देख सकते हैं इधर भी यहाँ पर एंट्री लगाई भी है, पहले चालू था लेकिन अब बंद कर दिया। बीवर ऑफ टेबल्स गोलकुंडा पुलिस स्टेशन यहाँ पर दिया हुआ है और अंदर एक तोप लगाई भी है। इधर से रास्ता है, इधर से जाएंगे हम लोग। पुलिस स्टेशन भी वहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर पीछे भी बहुत दीवारें हैं पुरानी। वेलकम गेट। क्या हाँ हाँ नहीं 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 तो गाइस देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा और अद्भुत ये किला है। देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा किला है गाइस ये। वो देख सकते हैं आप किस तरह से ये पुरानी इमारतें हैं, बहुत ही बड़ा किला है ये। आप जहाँ तक देख सकेंगे ऊपर तक, मैं ऊपर तक जाऊँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को पूरा वॉच करना, फुल वॉच करना, लाइक करना, शेयर करना। तो गाइस इस तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो वाइट कलर का लग रहा है शायद मस्जिद लग रही है, कुछ मस्जिद टाइप है अंदर। और पूरा पत्थर का बना हुआ है, पूरा पुराना काम है। और ये गार्डन है, सहन हुआ करता था। और सामने जो है ना वहाँ पर भी एक इमारत है। तो अभी हम लोग इस तरफ जाएंगे अंदर, रास्ता किधर से पता नहीं। देख सकते हैं आप, ये दीवारें छोटी 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 दीवारें हैं पूरी। और इस तरफ से मैं अंदर जाऊंगा। यहाँ भी देख सकते हैं पूरा प्योर है, ये पुराना काम है पूरा, बहुत ही बढ़िया है। पता नहीं यहाँ पर घूमने में कितना टाइम लगेगा, मगर मैं घूम कर जाऊँगा ऊपर। इस तरह से पुरानी, देख सकते हैं आप पीछे मेरे दीवारें हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप एक गार्डन है छोटा सा। हो सकता है गाइस मेरी आवाज़ आपको कम आए,
क्योंकि बहुत चढ़ना पड़ रहा है और मैं थक जा रहा हूँ और काफ़ी देर से सफ़र कर रहा हूँ। हैदराबाद घूमने लायक जगह है, अगर आप हैदराबाद आए तो इस किले में ज़रूर आना, देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही बढ़िया किला है गाइस जी। मैं ऊपर जाकर दिखाता हूँ आपको भी। यहाँ भी देख सकते हैं आप पूरा गार्डन है। ये ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर पानी बांटा जा रहा है, अभी बंद दिख रहा है। बहुत ही बड़े पत्थरे गाइस जी, आपको देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे टिके हैं। देखिए आप, बहुत ही अद्भुत है यार। आप वीडियो में देखेंगे ना, वीडियो में देखकर यहाँ आना ज़रूर। मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एड्रेस वगैरह सब दे दूँगा। बहुत बड़ा किला है ये, चलते ही जा रहा होगा उसमें। ये पुराने ज़माने के लोग होते थे जो ये कारीगिरी करते थे, और बहुत बड़ी कारीगिरी है गाइस जी। आज के ज़माने में ये करना नामुमकिन काम है, ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना पुराना और इतना विशाल, इतना बड़ा किला कोई नहीं बना सकता गाइस। देखिए अब किस तरह से ये है, ये हमारे देश की, हमारे मुल्क की शान है जो यहाँ पर बनाया गया है। इससे हमारा देश, हमारे देश की एकत्रता और हमारे देश में जो भाईचारगी का है, ये किला उसका एक प्रतीक है, उसका एक नमूना है। पीछे देख सकते कितनी बड़ी दीवार है, बहुत ऊपर चढ़ना है गाइस अभी। तो देखिए आप, हाँ टिकट भी वहाँ से होता है, टिकट भी लेना यहाँ पर ज़रूरी है। ज़्यादा टिकट नहीं है, 50 रुपीज़ को टिकट है यहाँ का, देख सकते हैं ये ऊपर से तो बहुत ही अच्छा नज़ारा लगेगा। ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। देख सकते हैं आप कितने ये पत्थर वगैरह यहाँ पर हैं। और ये इधर पूरा जंगल है, देख सकते हैं पीछे, किले की जगह है पूरी लेकिन जंगल है यहाँ। मेरे पास माइक था लेकिन मैं माइक लेकर नहीं आया साथ में, और देख सकते हो। और वो उधर अगर आप गौर से देखेंगे ना, उधर आपको एक गुंबद नज़र आएंगी। वो गुंबद सात गुंबद है, सात गुंबद बोला जाता है, और जिसने ताजमहल की तामीर की थी, ताजमहल जिसने बनाया था, उनकी मज़ार है वहाँ पर, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया। बहुत ऊपर है, देख सकते हैं कितना बड़ा ये किला है। अमेजिंग गाइस, मैं लाइफ में पहली बार इतना बड़ा किले में आया हूँ। एक किला गया था उधर कंधार का, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था। फर्स्ट टाइम इतने बड़े किले में आया हूँ। बहुत बड़ा किला है गाइस, अभी और ऊपर चढ़ना है और पूरा थक चुका हूँ गाइस। देख सकते हैं आप ये किस तरह से यहाँ पत्थर है, और ना कोई सीमेंट है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस जमाए हुए। पता नहीं कैसी उस वक्त में, उस टाइम में लोगों की कारीगरी रही होंगी। देखिए इस तरह से ये नज़र यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सेजल बाबा लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई लोग आते हैं अपने नाम वो लिखते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर महेश शर्मा भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से, पूरा तो ऊपर नहीं आया लेकिन थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा नज़ारा यहाँ का। ये देखिए गाइस इस तरह से ये हुआ करते थे पहले ज़माने में। ये देख सकते हैं अभी मैं कुछ भी ऊपर नहीं आया, और ऊपर जाना है, यहाँ तक आने में मैं थक गया। और ऊपर रास्ता बहुत यहाँ पर है, लेकिन मैं आज आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा। आप इस
वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट करना और अपना प्यार बनाए रखना। मैं इसी तरह के आपके लिए नए नए व्लॉग, नए नए खिले और हिंदुस्तान की, हमारे भारत देश की हर एक चीज़ मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा।